फर्स्ट गेस्ट हाउस है, मैंने आपको रात को भी बताया था। अंकल आर्मी रिटायर्ड है और आंटी भी बहुत स्वीट है। ठीक लेह मार्केट जहाँ आई लव ले लिखा है उससे जैसे आप बैक साइड में आओगे ये अंकल का गेस्ट हाउस दिखेगा। गेस्ट हाउस के बाहर में ही इनकी फ्री पार्किंग है। नीट एंड क्लीन रूम्स एंड सर्विस है। ये हम ले से बाहर निकल रहे हैं मॉनेस्ट्री की तरफ और क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। नीचे में पूरे सैंड ड्यून्स वाले पहाड़ दिख रहे हैं और ऊपर में पूरे बर्फ से भरे हुए पहाड़ और बादलों के बीच में। मौसम ऐसा है कि जैसे अब बारिश हो जाए और बर्फ गिरने लग जाए। आज का तो प्रोग्राम नहीं है खारदुंगला जाने का, कल हम जाएंगे खारदुंगला हुंदर और नूबरा वैली जाके स्टे करेंगे। देखिए इन्होंने अपनी कुछ लैंग्वेज में ये माउंटेन के ऊपर लिखा है और कुछ माउंटेन सा बनाया, क्या सुंदर लग रहा है और पेंट किया हुआ। ये हम बस पहुंचने वाले हैं मॉनेस्ट्री की तरफ। ये मॉनेस्ट्री के बगल वाली माउंटेन पे ही है। ये बस पहुंच गए मॉनेस्ट्री की तरफ। क्या सुंदर व्यू है नीचे से। ठिक से मॉनेस्ट्री। ये रहा ठिक से मॉनेस्ट्री का गेट। बस अब हम इसका इन कर रहे हैं और ये रही मॉनेस्ट्री सामने। और क्या सुंदर काले बादल ऊपर आए हुए पहाड़ों के, व्यू ही चेंज हो गया है यार। एक साइड ये पूरे ब्लैक ब्लैक माउंटेन है और एक साइड हमारे यहाँ पर पूरे बर्फ से भरे हुए माउंटेन्स और उसके ऊपर हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। यह एंट्री में टिकट काउंटर है और टाइमिंग दी गई है सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। 50 रुपीज़ पर हेड। एंट्री गेट पे ही टिकट काउंटर है, 50 रुपीज़ पर हेड टिकट ले लें और मॉनेस्ट्री की तरफ बढ़ जाए। इनसाइड इनके ये प्रिय करते हैं, अंदर वीडियो बनाना मना है।
ऊपर रूफ में है और यहाँ से पूरे लद्दाख शहर का व्यू है। ये रहा व्यू। मौसम पूरी तरह से चेंज हो गया, इसीलिए बोलते हैं पहाड़ के मौसम का कुछ पता नहीं। सुबह में जब हम यहाँ मोनेस्ट्री में आए थे, देखिए कितनी धूप थी, ऐसे लग रहा था विदाउट सनस्क्रीन फेस जल जाएगा। और खाली अभी विजिट करके हम लोग नीचे आए हैं और देखिए पूरा मौसम चेंज हो गया, बादल हो गया और ऊपर माउंटेन में बर्फबारी चालू हो गई है। वाइट, पूरा वाइट दिखने लग गया, छोटी छोटी बर्फ के टुकड़े जैसे उड़ते हैं उस तरह से दिख रहा है। और जितना रश था पूरी तरह से खाली हो गया है, क्योंकि अभी इनका लंच टाइम मॉनेस्ट्री के अंदर में स्टार्ट हो जाता है, तो मॉनेस्ट्री के गेट्स वगैरह मेरे ख्याल से क्लोज कर देते हैं क्योंकि वहाँ टाइमिंग दी हुई है लंच। जगह जाओ, अब हम मोनेस्ट्री के ऊपर थे, टायर्स की इंक्वायरी चालू हो गई। ये जो ट्रैवलर और टेम्पूज वगैरह चलाते हैं उनको ये बहुत अच्छी लगी और ये उनकी इंक्वायरी लेने लग गए। बेस्ट पार्ट यही है, फाइन तो अपनी जगह है मगर जब ऐसे इंक्वायरी लेते हैं तो फाइन वगैरह का सब भूल जाते हैं। ये है वॉल ऑफ फेम, ले से पहले ही पत्थर साहब गुरुद्वारा क्रॉस करते ही वॉल ऑफ फेम आपको मिल जाएगा।
इसमें भी टिकट है। अगर खाली म्यूजियम देखना है तो 125, अगर लाइट एंड साउंड का भी मजा लेना है तो 125 उसका एक्स्ट्रा, टोटल मिला के 250 हो जाएगा। मगर हमने खाली म्यूजियम देखने का बोला तो खाली 125 पर हेड लगा। चलिए अब इनसाइड जाते हैं, देखते हैं वीडियोस अलाउड है कि नहीं अंदर में, और म्यूजियम क्या है। ये देखिए, जिप्सी को कन्वर्ट किया ऑल टेरेन व्हीकल में, स्नो में फर्स्ट क्लास जिप्सी चलेगी। इसने क्या किया अपने गांव से 10-20 ये कैसे अपने पोस्ट में फूड लेके जाते हैं। और ये रहा रॉयल एनफील्ड कन्वर्ट टू ऑल टेरेन, एंटी फ्रीजिंग सेंसर पंप, ये रहा हेलीकॉप्टर्स वगैरह। उसके बाद अच्छे काम करने के बाद जो ना सर, इसको दो बार नौकरी चक्कर मिल चुका हुआ है। इंडिया के अंदर ऐसा इंसान नहीं होता सर, टोटल 3 या 4 इंसान जो डबल लेने वाला है, उसमें से दूसरा इंसान ये वाला सर। बाद में इसका नाम बना, पहले तो चावल रंजन थे, बाद में इसका नाम बना दिया कल चावल रंजन। अभी कल को जाएगा, अभी मुकरा जाएगा, तुर तुक जाएगा। इंडियन आर्मी तब बनाता है जब किसी ऑपरेशन को लॉन्च किया जाता है या उसके बाद किसी को डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ, जो कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे डीप ब्रीफिंग देने जा रहा हूँ। अगली बार शुरू करने से पहले आप लोगों में से एक सर बोलेंगे भारत माता की जय, बाकी सब बोलेंगे जय। ध्यान से सुन लेना आप लोग यहाँ पे, भारत माता युद्ध के दौरान जोश मिलता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है। वॉर खत्म शुरू होने से पहले, वॉर खत्म होने के बाद भारत माता की जय बोला जाता है। जब तक आप लोग का भारत माता ठीक नहीं होगा, 7:30 बजे तक मैं यहाँ खड़ा करके रख दूंगा आप लोगों को यहाँ। ये जो है भारत माता हर हमेशा ऊंची आवाज में बोला चाहते। अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो आवाज निकला, यहाँ से 2 कबूतर सो रहे, नींद से नहीं जागा। ये आवाज मैं यहाँ पे अकेला निकालता हूँ। आप लोग यहाँ पे 3, 15, 20 है तो चारों तरफ गूंजना चाहिए, आप लोगों का आवाज बाहर आना चाहिए। जोर से भारत माता को 3 बार और हाथ को रेज करके बोला जाएगा। दोबारा आप लोग शुरू कीजिए यहाँ। माता की जय, ये कैप्चर किए गए वेपन जो चाइना से, ये 1K56 और पाकिस्तान वाले गए 1K47। ये पाकिस्तान वेपन इक्विपमेंट कैप्चर्ड बाय इंडियन आर्मी कारगिल वॉर में, ये रहे। ये नाइट विजन, ये भी गन्स, लॉन्चर्स, बॉम्ब
बहुत कुछ है वॉल ऑफ फेम के अंदर, मैं सब कुछ आपको एक व्लॉग में नहीं दिखा सकता और कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वीडियो नहीं बनानी। सो आप एक बार ज़रूर आके इसको विजिट करें और वॉल ऑफ फेम को देखें। इसमें बहुत ये है वॉल ऑफ फेम के अंदर जहां लाइट शो रात में दिखाई जाती है, ये देखिए। और बैक साइड उसके बैठने के लिए यहां चेयर्स लगे हुए हैं। यह है मेरे 22 इंचेस वाले मॉन्स्टर का क्रेज। हम लोग अंदर वॉल ऑफ म्यूजियम घूम रहे हैं, ये अंदर म्यूजियम छोड़ के इसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, हर वीडियो में आपको जहां पर ये खड़ी रहेगी वहीं पर कोई ना कोई इसकी फोटोग्राफी लेते हुए नजर आएगा। ये है 22 इंचेस का क्रेज। हम आ गए शांति स्तूपा में, यहाँ पे भी इन्होंने टिकट लगा दिए 30 रुपीस पर पर्सन। और ये रहा शांति स्तूपा, और ये हम टूर शांति स्तूपा बढ़ रहे हैं। ये शांति स्तूपा, और यहाँ से पूरी ले मार्केट वगैरह सब नजर आती है। ये पार्किंग, और यहाँ ले लद्दाख वालों को क्रेटा दी गई है पुलिस वालों को। ये देखिए लद्दाख पुलिस, नई नई क्रेटा सबको मिली है। ये रहा पूरा ले का व्यू। अभी सोच रहे हैं कि ये वाली मॉनेस्ट्री कवर करके आए। ये पूरी ले मार्केट और ले सिटी। ये है शांति स्तूपा, और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है विलेज, एरो मार्क भी दिया हुआ है किस साइड वो है और कितनी हाइट पे है और कितना डिस्टेंस है यहाँ से कवर करने के लिए। क्यूट से दोनों। ये लद्दाख के ही है, दे स्पीक लद्दाखी। What she is doing? Hello. So cute. अपने फादर के साथ घूमने आई है। इसको पकड़ना नहीं बस। She is very funny. Yeah, Paldun. Paldun. Hello. ये है शांति स्तूपा के ऊपर। ये शांति स्तूपा पे बाइकर्स का ग्रुप आ गया, वही केरला वाला जो हमारे साथ साथ कारगिल से चला हुआ था। ये नया एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन चल रही है, नए एयरपोर्ट की। ये रहा एयरपोर्ट, ले का एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट का रोड, वेलकम टू ले। बोर्ड वेलकम टू ले। ये माल रोड ले का, शाम में अभी 8 बज रहे हैं। मॉर्निंग में घूमने का मजा नहीं है क्योंकि ज्यादातर मार्केट 10 बजे के बाद खुलती है। 10 बजे हम लोग और कहीं निकल गए थे शांति स्तूपा और म्यूजियम और मॉनेस्ट्री देखने के लिए, इसलिए अभी थोड़ी देर रेस्ट करके हम लोग आए हैं।
लेके मार्केट। माल रोड अभी शॉप्स क्लोज्ड हो रही हैं, अभी हमें आने में थोड़ा लेट हो गया, शॉपिंग करनी नहीं थी, आराम से हम घूम रहे हैं, अब थोड़ी बहुत कर ली है, थोड़े ड्राई फ्रूट्स वगैरह ले लिए कल के लिए, क्योंकि कल हम लोग नूबरा वैली जाएंगे। ये ले मार्केट के अंदर मस्जिद, जामा मस्जिद ले लद्दाख की, ये देखिए जामा मस्जिद ले लद्दाख, प्रेयर अंदर उनके नमाज चल रहे हैं और टाइम हो गया है 9:45, 9:40। ये है आई लव ले लिखा हुआ आउटसाइड माल रोड, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होके नेक्स्ट कॉर्नर तक पूरा माल रोड है, और छोटी छोटी दुकानें हैं जो टिबेट के रिफ्यूजीज, उनकी टिबेटियन रिफ्यूजीज की। और हम यहाँ आए हैं कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, क्योंकि लंच तो बहुत लेट किया था इसीलिए। ये ले मार्केट के बाहर ही यम यम ले करके कैफे है, यम यम रेस्टोरेंट, इनका इंस्टाग्राम में यम यम ले करके भी है। मैम बहुत ही स्वीट है, हमने यहाँ पर चिकन रोल ऑर्डर किए, साथ में हॉट चॉकलेट केक, उन्होंने हमें हॉट वाटर सर्व किया, बहुत ही अच्छा है। और इनका एक ब्रांच गुड़गांव में भी है, आप जब भी ले आए तो इनके यहाँ ज़रूर विजिट करके जाएं और कुछ ना कुछ हल्का फुल्का स्नैक लेके जाएं।